हेलो एवरीवन वेलकम टू द टुडेज लेक्चर इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इन अर्लियर लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द हीमोस्टेसिस ओके एंड दे आर थ्री स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस की तीन स्टेप्स हैं कौन कौन सी वास्कुलर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग तो आज हम सेकेंड स्टेप पढ़ने वाले हैं ओके सो so याद रखिए हमारे हर लेक्चर में लास्ट में पाँच एम होते हैं उन एम का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओके सो so यहाँ पर देखिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है क्या ओके सो so अगर हमने जो आर बी फॉर्म्ड एलिमेंट है वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उसमें आर बी सी होती हैं डब्ल्यू बी सी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं ओके तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ है कि जब कभी भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा कट होगा और ब्लीडिंग होगी ओके तो उसको प्लेटलेट किस तरह से रोकने में मदद करेगी वही चीज़ क्या है उसी की स्टेप्स जो हैं प्लेटलेट फॉर्मेशन की हैं। ओके, okay, तो यहां पर सबसे पहले प्लेटलेट को समझिए कि प्लेटलेट है क्या? मैंने आप लोगों और उसके अंदर वेसाइकल्स होती है तो सपोज करिए प्लेटलेट एक कि ये हमारे पास में क्या है प्लेटलेट है दिस इज वॉट अ प्लेटलेट यहाँ पर देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए प्लेटलेट्स बनाई यहाँ पर दिस इज वॉट अ प्लेटलेट और उसमें ब्लू कलर के डॉट्स मैंने आप लोगों के सामने शो किए हैं वो ब्लू कलर के डॉट्स क्या हैं हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेसाइकल्स कैसी होंगी यहां पर ये यह देखिए ये इस तरह से वेसाइकल्स होंगे होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये प्लेटलेट हो गई और ये वेसाइकल्स होंगे ये इसी के अंदर होंगी प्लेटलेट के अंदर ही वेसाइकल्स होंगी और इन और इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है कुछ कंपाउंड्स फिल होते हैं वो कौन कौन से कंपाउंडस है वो आप देखिए ए होता है ए होता है थ्रोम्बोक्सिन ए है कैल्शियम है सेरेटोनिन है एंड फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर है एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है तो इस तरह के सब्सटेंस जो हैं इन वेसाइकल्स में होते हैं अगेन आई रिपीटिंग जो भी प्लेटलेट के अंदर वेसाइकल्स हमें मिल रही हैं इन वेसाइकल्स में क्या है ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ये क्या होगी वेसाइकल्स होगी ओके और इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर जो सब्सटेंस हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास में ए डी पी ए टी पी सबस्टांस इन वेसाइकल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबस्टांस इन वेसाइकल्स ओके सो वेसाइकल्स में कौन कौन से ए टी पी ए डी पी ए टी पी ए टू कैल्शियम सेरेटोन फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट डिराइड ग्रोथ फैक्टर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लेटलेट डिराइड ग्रोथ फैक्टर है काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन करवाता है ओके एज वेल एज थ्रोम्बोक्सिन ए टू है और सेरेटोनिन है सेरेटोनिन जो है पर्टिकुलरली वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में मदद करता है थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो है वो भी क्या है सेल प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराने में मदद करता है एज वेल एज वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में भी मदद करेगा ओके okay? और यहाँ पर ये यह सब्सटेंस जो है पर्टिकुलरली क्या करते हैं इन प्लेटलेट्स के अंदर स्टिकीनेस लग आते हैं ओके okay? तो अब यहाँ समझिए आप कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की थ्री स्टेप्स हैं तीन स्टेप्स है फर्स्ट वन इज प्लेटलेट एडहेशन प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट एग्रीगेशन ओके सो ये तीन स्टेप है अब एक मैं बेसिक आपको एग्जांपल देता हूं कि होगा क्या जैसे ही हमें कट लगेगा यहां सपोज करो कोई कट लगा तो उससे ब्लड निकलेगा ओके क्लट कट लगने से ब्लड निकल रहा है तो उस टाइम क्या होगा प्लेटलेट क्या करेंगी उस जगह को क्या करेंगी ब्लॉक करेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को सपोज हमारा कोई बाथरूम होते हैं बाथरूम के अंदर क्या है नल होता है ओके और कभी कभी क्या होता है वो नल अगर टूट जाता है ठीक है अगर वो नल टूट जाएगा तो उस केस में क्या होगा मैं आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल दे बताता हूँ देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में ये हमारे पास में नल आ गया ओके टेप हो गया और अगर कभी बाथरूम में ये टेप जो है अगर टूट जाता है सपोज करें ये देखिए यहां पर ये बाथरूम में टेप जो है टूट गया है तो टूटने पे क्या होगा काफी सारा पानी निकलेगा उस उस टाइम पर हम क्या करेंगे जो भी बाथरूम में कोई ना कोई क्लॉथ रखा होगा या कुछ कपड़ा वगैरह जो भी और कुछ होगा उससे हम उसको फटाफट से बंद करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे यहां पर वो कपड़ा लेकर आएंगे और इसको बंद करने का प्रयास करेंगे ताकि फटाफट से क्या हो ये जो भी इंजरी हुई है मीन्स कि जो भी यहां पर नल से पानी निकल रहा है उसको हम बंद करने का प्रयास करेंगे तो सेम यही स्टेप्स जो हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है इसको आप समझिए कि अगर ये इसको नल ना मान के आप इसको ब्लड वेसल्स मानिए और ब्लड वेसल्स में ये एक इंजरी हो गई है और इस इंजरी से ब्लड निकल रहा है तो इस केस में क्या होगा हम जैसे बाथरूम के अंदर नल नल को बंद करने के लिए कपड़ा लेकर आए हैं उसी तरह से यहां पर प्लेटलेट जो होंगी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 पॉइंट लैख से 4 लैख जो होती हैं पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट होती है तो ये प्लेटलेट आकर इकट्ठा होकर अगर यहां आ जाए तो ये इसको बंद कर सकती हैं तो यहां इकट्ठा होकर और पास आकर और इसको बंद करने दें यही प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन है ओके सो so यहाँ की इसकी तीन स्टेप हम समझते हैं कौन कौन सी स्टेप है फर्स्ट स्टेप इज प्लेटलेट अड फर्स्ट स्टेप इज वॉट प्लेटलेट अड्डे तो यहां डायग्राम आप देखिए क्या होगा फर्स्ट स्टेप का डायग्राम है दीज आर फाइबर्स अब फाइबर सपोज करिए इंजरी हुई है तो फाइबर्स क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे ओके कॉलेज फाइबर ब्रेक हो जाएंगे और यही कॉलेजन फाइबर्स के जो टुकड़े होंगे वो अंदर आ जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएंगे अब ये टुकड़े अगर ब्लड वेसल्स के अंदर आएंगे तो इसकी वजह से प्लेटलेट्स को क्या हो जाएंगे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगी प्लेटलेट क्या होंगी एक्टिवेट होंगी और वो अपने सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट करेंगी और स्लोली स्लोली ये प्लेटलेट जो हैं ये जहाँ पर कॉलेजन फाइबर्स जो हैं रिलीज हुए हैं वो उनके पास में जाकर जाना इकट्ठा तो so, ये प्लेटलेट क्या होंगी वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देंगी क्लियर so, सो यहाँ पर अब क्या होगा प्लेटलेट अपना एक सब्सटेंस रिलीज करेंगी जो कि कुछ ना कुछ हद तक स्टिकी होगा प्लेटलेट का जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा स्टिकी होगा ओके सो प्लेटलेट यहां जाना स्टार्ट करिए तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया प्लेटलेट एडहेशन क्लियर देन सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है सेकेंड स्टेप प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपन देयर इज अ रिलीज ऑफ थ्रोम्बोक्सेन ए टू एटो एंड सरेटोन सेरोटोनिन, ओके तो दोनों ही सब्सटेंस रिलीज होते हैं अब इन दोनों सब्सटेंस के रिलीज होने से क्या होगा वो देखिए दोनों ही सब्सटेंस को मैंने आप लोगों को बताया कि ये वासो कॉन्स्ट्रिक्ट सबस्टांस है ओके okay. सो तो अगर वासो कॉन्स्ट्रिक्स सबस्टांस होगा वासो कॉन्स्ट्रिक्ट सबस्टांस है ये अगर वासो कॉन्स्ट्रिक्सांस होगा तो ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा एज वेल एज यहां पर क्या होगा जो प्लेटलेट्स होंगी उनकी शेप में चेंज आएगा देर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ प्लेटलेट सो यहां पर आप लिख सकते हैं चेंज इन शेप ऑफ प्लेटलेट ओके okay? क्लियर प्लेटलेट की शेप में चेंज आ रहा है प्लेटलेट की शेप में चेंज आने से क्या होगा यहां पर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और ये सारा का सारा जो है प्लेटलेट जो है सारी आपस में पास पास आने लगेंगी क्लियर क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो प्लेटलेट जो है सारी और शेप भी चेंज हो गया है तो जहां पर इंजरी हुई उस उस प्लेस के पास में ये जाने की कोशिश करेंगे तो सपोज करिए अगर यहां पर इंजरी हुई है तो यहां पर जो है प्लेटलेट सारी इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे क्लियर सो सेकेंड स्टेप जो है हमारी वो प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होगी यहाँ पर ये सारे सब्सटेंस रिलीज होते हैं ओके एंड देन जो हमारे पास में कैल्शियम है ए टी पी है ए पी ये सबस्टांस भी जो है हमारे रिलीज होते हैं क्लियर दैन नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन थर्ड स्टेप इज वॉट प्लेटलेट एग्रीगेशन सो इन दिस थर्ड स्टेप वॉट हैपन यहाँ पर क्या होगा प्लेटलेट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी हैं और यहाँ पर प्लेटलेट ने अपना स्टिकी सब्सटेंस भी इंक्रीज कर लिया है तो जब प्लेटलेट अपना स्टिकी सब्सटेंस इंक्रीज कर लेंगी तो वो एक दूसरे को आपस से अटैच कर लेंगे ओके सो एक दूसरे के साथ में वो जब अगर एक सब एक प्लेटलेट ने अपना की सब रिलीज किया तो जब दूसरी प्लेटलेट उसके पास में आएंगी तो उससे क्या होगा वो भी उससे क्या कर जाएंगी स्टिक हो जाएंगी ओके सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है सारी प्लेटलेट एक साथ आ रही हैं प्लस यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर भी हमारे पास में आ रहा है और प्लेटलेट डिराइड ग्रोथ फैक्टर भी हमारे पास में आ रहा है तो अगर ये दोनों ही चीजें यहां पर आएगी तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम नेटवर्क सम ऑफ द नेटवर्क तो यहां पर नेटवर्क बनने लग जाएगा क्योंकि फाइब्रेबिलाई फैक्टर यहां पर आ चुका है तो प्लेटलेट जो है वो सारी की सारी एग्रीगेट कर रही है तो यहाँ पर दो फैक्टर तो हो गए फाइब्रेन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर और प्लेटलेट डिराइड ग्रोथ फैक्टर पी डी जी एफ ओके एंड देन थ्रोम्बोक्सैन थ्रोम्बोक्सैन क्या करेगा पर्टिकुलरली यहाँ पर थ्रोम्बोक्सैन इनको एग्रीगेट करने का काम कर रहा है किसको प्लेटलेट को एग्रीगेट करने का काम कर रहा है तो अगर प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी तो काफी सारी प्लेटलेट एक ही जगह जाकर यहाँ पर जहाँ पर कॉलिजन फाइबर जो है डैमेज हुए हैं वहाँ जाकर प्लेटलेट सारी क्या हो जाएंगी प्लग बना लेगी क्योंकि ये इकट्ठा हो गई और अपना एक नेटवर्क बनाती तो उसको क्या बोला जाता है प्लग बना दिया जाता है ओके, okay, सो so इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन की स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इस तरह से यहां पर क्या हो जाता है? तीन चीजें हमारी थर्ड वाली स्टेप जो है उसमें इंपॉर्टेंस रख रही है कौन कौन सी एक तो रिलीज ऑफ एडीपी जो कि एडीपी के रिलीज होने से क्या होगा स्टिकीनेस बढ़ेगी ओके इनिशियली फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है वहां भी एडीपी रिलीज हो रहा है बट इन द लेसर अमाउंट बट यहां जो थर्ड स्टेप हो रही है वहां पर एडीपी हमारे पास में आ रहा है ओके एंड देन थ्रोमोक्सिन ए टू एज वेल एज फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर तो इन सबके आने से क्या होगा पूरा का पूरा प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा तो जहां भी स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाती है ओके okay, और लार्जर ब्लड वेसल्स होती है तो वहां पर क्या होगा ब्लड क्लॉटिंग का यूज किया जाएगा बॉडी ब्लड क्लॉट बनाएगी और अदर मेडिकल इंटरवेंशन को यूज किया जाएगा तो होपफुली आप लोगों को जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें Hello everyone, discussing the question. Question number 1, which of the following steps include in platelet plug formation? A. Vascular spasm, B. Blood clotting, C. Platelet addition, and D. All are correct. Question number 2, which of the following steps include in hemostasis? A. Vascular spasm, B. Blood clotting, C. Platelet plug formation, and D. All are correct. Question number 3, which of the following substance is platelet aggregatory? A. Thromboxane A2, B. Cyclooxygenase. C fibrin stabilizing factor and D all are correct question number 4 which of the following substance released from platelet can cause proliferation of vascular endothelial cells A thromboxane A2 B cyclooxygenase C fibrin stabilizing factor and D platelet derived growth factor question number 5 platelet plug formation is very effective in Prevention of blood loss ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम ए स्मॉल वेसल्स बी लार्ज वेसल्स सी बोथ ऑफ दीज of these. और अगर आप लोगों को रियली में ही ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जय भारत जय